आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी का प्रसाद। जन्माष्टमी आने वाली है ना, जन्माष्टमी का प्रसाद, जो प्रसाद भी होगा हेल्दी भी होगा और एनर्जेटिक भी होगा, तो और कम घी का बनेगा। तो मैंने ये लिए 200 ग्राम जितना, 150 ग्राम बोलिएगा, 150 ग्राम जितना हमने मखाने ले लिए, थोड़े से हमने नारियल ले लिए स्लाइस करे हुए, खोपरा जो बोलते हैं चीनी ले लिए, खरबूजे के बीज ले लिए तरबूज के, थोड़े से गोंद ले लिए, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू, थोड़ा अखरोट और थोड़ा सा खसखस, थोड़ी सी काली मिर्च दरदरी कुटी हुई और थोड़ा सा लिया हमने किशमिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो सबसे पहले हम लेंगे ये गोंद। गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। गोंद को हमने फ्राई कर लिया। अब थोड़े से डाल देंगे काजू। काजू को हम लो फ्लेम ही रखेंगे, हम फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, क्योंकि सब चीज़ हमारा जलने का डर रहेगा और मिठाई हमारी ख़राब हो जाएगी, मिठाई का टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और सामान भी ख़राब हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हमें लो फ्लेम ही रखना पड़ेगा। अब इसमें डाल देंगे हम बादाम। बादाम को भी फ्राई कर लिया। अब हमने जो खोपरे की नारियल के स्लाइसेस रखे थे उसको हम फ्राई कर लेंगे, इसे भी गोल्डन होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। नारियल भी हमारे फ्राई हो गए, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे हम किशमिश। किशमिश को बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, फटाफट हम इसे निकाल लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे हम मखाने। हमें लो फ्लेम ही रखना है, हाई नहीं करना है कोई भी चीज़ के लिए। ये मखाना भी हमारे क्रिस्पी हो गया, ये देखिए, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। ये हमने 4 बड़े चम्मच खसखस ले लिए, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसी में डाल देंगे हम मगज। आप चाहो तो खरबूजे के बीज ले सकते हो, अपने इच्छा में पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट और ले सकते हो, दूसरा ड्राई फ्रूट भी। देखिए मगज भी हमारे फूल गए फ्राई होके, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इन सबको हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं नहीं पीसेंगे, आधा करके मैं पीसूँगी। हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया, बाकी का सामान भी इसी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। बादाम काजू को हम ले लेंगे, ये देखिए, इसको भी हमने इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है लिया है। और अब हम थोड़ा सा गोंद को भी थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लेंगे। ये हमने देखिए गोंद को भी इस तरह से क्रश कर लिया है। अब हम नारियल को भी कर लेंगे, जो हमने फ्राई करके रखे थे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे इसके गार्निशिंग के लिए, बाकी हम क्रश कर लेंगे। नारियल को भी हमने क्रश कर लिया, इसको भी डाल देंगे। अब हम चीनी ले लेंगे, इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मीठा अपने स्वाद के अनुसार बना लीजिएगा। डालेंगे हम 1/2 कटोरी पानी, जिसको हम 1 टार के जितना हम चाशनी को बना लेंगे। 1 टार पूरा नहीं बनाएंगे, उसी समय हम बाकी का सामान डाल देंगे, क्योंकि उसके बाद भी हमें इन्हें थोड़ा सा पकाना है सबको, इसीलिए हम 1 से 1.25 टार के बीच में हम इसको बनाएंगे। ये देखिए चाशनी हमारी पूरी 1 टार की नहीं बनी है, बनने वाली है। अब इस स्टेज में हम सब सामानों को डाल देंगे। काली मिर्च को भी हम डाल देंगे। काली मिर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें डालना ना भूलें। तो जब तक हमारा ये सामान इकट्ठा होने लगेगा, तब हम इसको
थाली में निकाल दे रहे हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर। ना तो ये पाक है ना ही चिक्की है, ये हम मिठाई बना रहे हैं इसलिए इसे अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसको हम सेट होने के लिए थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा वैसे भी इकट्ठा होने लग गया है। खाली मेजरमेंट का जरूर ध्यान लीजिएगा, दो कटोरी मखाने में और आधा आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बादाम, उसमें हम डेढ़ कटोरी चीनी डालेंगे। रेशो का जरूर ध्यान दीजिएगा और चीनी एक तार से पहले, खाली थोड़ी चिपचिपाहट हो जाए और उसे थोड़ा सा हल्का सा और पका ले, उसके बाद आप इसमें सारा बाकी सामान डाल दें। इसमें निकाल लेंगे जिसमें हमारा घी निकल लगा हुआ है सब सामानों का, तब उसी में निकाल लेंगे हम। अब इसके ऊपर जो हमने नारियल के स्लाइसेस रखे थे उसे गार्निश कर देंगे उससे। फिर मिलते हैं।